डियर स्टूडेंट आरसीए एजु हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको यूज कर रहे थे, उसमें मैंने पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था वो बात चल रही थी कॉपर के कार्य, कुछ कार्य मैंने बता दिए। तो नेक्स्ट जो कॉपर के कार्य है वो आयरन के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। जो कॉपर है, तांबा जो होता है वो क्या होता है, जो आपका लोहा है उस लोहे के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरी बात, अप्रत्यक्ष रूप से यह क्लोरोफिल के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रणालित है आपका उस प्रणालित का निर्माण करने में भी क्या होता है, सहायक होता है। यह ऑक्सीडेज है, टायरोसिनेज है, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है आदि के संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। इनका भी ये क्या होता है, मुख्य अवयव होता है। तो आयरन के जो कार्य है उसमें जो कॉपर के जो बचे हुए कार्य है, कॉपर के कार्य जो नेक्स्ट कार्य बच रहे हैं वो क्या है, आयरन के निर्माण में सहायक होता है। आयरन के निर्माण में सहायक होता है, आयरन के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है इसका अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है, अप्रत्यक्ष रूप से किसके निर्माण में सहायक होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में भी सहायक होता है। यह पौधों में टायरोसिनेज ऑक्सीडेज मोनोफिनोल ऑक्सीडेज आदि एंजाइमों का प्रमुख अवयव है। आदि एंजाइमों का क्या होता है, प्रमुख अवयव। तो कॉपर के नेक्स्ट जो कार्य है आयरन के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। अप्रत्यक्ष रूप से किसका निर्माण करता है, क्लोरोफिल के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक। नेक्स्ट, पौधों में टायरोसिनेज है, ऑक्सीडेज है, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसका ये प्रमुख अवयव होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे डियर स्टूडेंट बोरॉन के कार्य। जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में क्या पढ़ रहे हैं यहां से, बोरॉन के कार्य। बोरॉन जो होता है उसका काम क्या है, पौधों में कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है। बोरॉन जो होता है पौधों में क्या होता है, जो आपका जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट, यह प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उस प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। दलहनी जो फसलें होती है उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में ये क्या होता है, सहायक होता है। भाई पहला जो फंक्शन है बोरॉन का क्या बताया कि यह कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, सहायक होता है। पादपों के अंदर जो प्रोटीन का जो संश्लेषण है उसमें क्या होता है, आवश्यक होता है। दलहनी जो फसलें हैं उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम जीवाणु के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। यह एटीपी डीएनए आरएनए के संश्लेषण के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट, बोरोन जो होता है इनोसिटोल जो होता है उसके संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक होता है। इस प्रकार जो बोरोन है वो पौधों के लिए क्या होता है, और फलीदार जो पादप होते हैं उन फलीदार पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी क्या होता है, सहायक। तो ये है आपके बोरोन के कार्य। तो बोरोन के जो कार्य है पहला काम क्या है, यह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है।
बोरोन का जो कार्य क्या है, कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, सहायक। प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। जो दलहनी फसलें हैं उनमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसमें क्या होता है, सहायक। यह एटीपी डीएनए आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक होता है। ये एटीपी डीएनए आरएनए के संश्लेषण में भी सहायक होता है। पेपर में कई बार क्या होता है, पूछ लेता है कंप्लीट नेम ऑफ एटीपी, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। पेपर में कई बार पूछ लेते हैं एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे एटीपी का पूरा नाम जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनो ए फोर, यहां पे क्या होता है एडिनोसिन, टी फोर क्या होता है ट्राई, टी फोर क्या होता है फॉस्फेट। अभी एटीपी जो है वो बनता कैसे है, यहां पे एटीपी जो है वो दो प्रकार से बनता है, एएमपी प्लस एडीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब आपको पता है एटीपी में फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, यहां पे ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट कैसे टूट जाएगा यहां पे मोनो और डाई, तो मोनो और डाई किसमें कन्वर्ट होता है यहां पे ट्राई, एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एडीपी का पूरा नाम क्या होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। मैं लिख सकता हूं यहां पे एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट, और ये क्या है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। तो आपसे पूछ ले एएमपी का पूरा नाम पूछ ले, एडीपी का पूछ ले, या एटीपी का पूरा नाम पूछ ले। एटीपी का मतलब समझ में आ गया होगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अभी एटीपी का जो अणु है वो किससे मिलकर बनता है, एएमपी प्लस एडीपी से। AMP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। नेक्स्ट जो बोरोन का जो फंक्शन है यह इनोसिटेट, यह इनोसिटोल के संश्लेषण में भी सहायक होता है। यह इनोसिटोल का जो संश्लेषण है उसमें क्या होता है, सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये जो बोरोन है उसके कार्य होते हैं। क्लियर, यहाँ पे बोरोन के कार्य कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है, सहायक। प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक। ये एटीपी डीएनए आरएनए के संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक। इनोसिटोल के संश्लेषण में भी क्या होता है, सहायक। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, आयरन के कार्य। अब आयरन जो है उसका काम क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आयरन के कार्य, आयरन के कार्य। इसमें होता क्या है आयरन के कार्य में, कि जो आयरन है वो परणहरित का अवयव नहीं है, लेकिन परणहरित के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। आयरन जो लोहा है वो परणहरित का अवयव नहीं है, लेकिन परणहरित के निर्माण में क्या होता है, सहायक। और पौधों के अंदर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो आयरन है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। भाई पौधों के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अभिक्रियाएं होती है उनमें किसके रूप में कार्य करता है, ये ऑक्सीकरण के रूप में कार्य करता है। सोयाबीन में उपस्थित मोलिब्डेनम एमओ जो एक नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह का कार्य करता है,
उसको भी ये जो आयरन है वो क्या करता है, वहां से प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कि सोयाबीन में उपस्थित एमओ, एमओ का मोलिब्डेनम, जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है प्रोस्टेटिक समूह का कार्य करता है, उसको भी यह आयरन जो है प्रतिस्थापित करता है। तो ये है आपके आयरन के कार्य। परणहरित का अवयव नहीं है, परणहरित का अवयव नहीं है, लेकिन इसके निर्माण में सहायक होता है, लेकिन इसके निर्माण में सहायक होता है। लोहा जो है वो परणहरित का अवयव तो नहीं है, लेकिन परणहरित के निर्माण में क्या होता है, सहायक। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि पौधों के अंदर होने वाली जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया, पौधों में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। सोयाबीन, सोयाबीन में उपस्थित एमओ, एमओ का मतलब होता है यहां पे मोलिब्डेनम, जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, जो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है प्रोस्टेटिक समूह का कार्य करता है, उसको भी यह एंजाइम प्रतिस्थापित करता है। प्रोस्टेटिक समूह का कार्य